सुखविंदर सिंह सुखू जी, राजा रामपाल जी, जीएस बाली जी, सुधीर शर्मा जी, कांग्रेस पार्टी के हमारे सब कार्यकर्ता, यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, महिला कांग्रेस के सब कार्यकर्ता, भाइयों और बहनों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। आप दूर दूर से आए, इसके लिए आप सबको बहुत धन्यवाद। मुझे लग रहा है पिछले दो तीन दिनों में कांग्रेस पार्टी के बीच में कंपटीशन हो रहा है। मैं अरुणाचल प्रदेश गया, पब्लिक मीटिंग में गया और बहुत सुंदर जगह में पब्लिक मीटिंग करवाई। मैंने वहां कहा कि ऐसी जगह तो मैंने नहीं देखी पहले। फिर मैं गया मेघालय, वहां उससे भी सुंदर जगह दिखा दी। फिर मैंने वहां कहा कि भाई ऐसी जगह मैंने नहीं देखी, और अब आपने यहां मुझे बुलाया और आपने उससे भी सुंदर जगह दिखा दी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, अभी सुबह मैं एक सर्विसमैन से मिला और मैंने उनसे कहा कि आमतौर से राजनेता आते हैं, भाषण कर जाते हैं, चले जाते हैं, मगर मैं आपसे मिलना चाहता था, आपकी बात सुनना चाहता था। और मैं जानता हूं शायद इस भीड़ में बहुत सारे हमारे एक्स सर्विसमैन और सर्विसमैन भी खड़े हैं। और मैंने उनसे एक घंटा बात की और उन्होंने मुझे थोड़ा समस्याओं के बारे में, मुश्किलों के बारे में बताया। तो इस स्टेज से मैं उनका और हमारे सब हिमाचल प्रदेश में एक सर्विसमैन और जो सर्विस करते हैं उनका बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप देश की रक्षा करते हो, अपना खून, अपना पसीना देश को देते हो। कुछ समय पहले आप मेरे पास आए और आपने वन रैंक वन पेंशन की बात उठाई और आपने कहा कि देखिए 25 साल से ये बात चली आ रही है। हिमाचल प्रदेश में 4 परमवीर चक्र मिले हैं, 2 अशोक चक्र मिले हैं, 10 महावीर चक्र मिले हैं। ये जो वन रैंक वन पेंशन की बात है इसको आप खत्म कीजिए। आज उन्होंने मेरा धन्यवाद किया और मैंने उनसे कहा कि देखिए धन्यवाद किया तो मैं मान लेता हूं, मगर आपको मुझे धन्यवाद नहीं करना चाहिए, मुझे आपको धन्यवाद करना चाहिए कि आपने अपनी जिंदगी हिंदुस्तान को दी। और अगर ये 23 लाख एक सर्विसमैन को फायदा हो रहा है तो सच बात यह है कि राहुल गांधी ने सिर्फ आपकी बात उठाई थी, काम प्रधानमंत्री जी ने और सोनिया जी ने किया है। तो मैं उनका भी स्टेज से धन्यवाद करना चाहता हूं। हिमाचल बहुत सुंदर प्रदेश है, लोग भी सुंदर है, जगह भी सुंदर है, आपके दिल में प्यार है, खुशी है। और जब भी मैं यहां आता हूं शांति की बात होती है, भाईचारे की बात होती है, प्यार की बात होती है, और शायद बाकी हिंदुस्तान आपसे बहुत कुछ सीख सकता है। आपके पास टूरिज्म का पोटेंशियल है, शायद बाकी स्टेटों में इतना नहीं है जितना यहां है। कांग्रेस पार्टी की सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर का काम किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना हिमाचल खड़ा नहीं हो सकता है। धर्मशाला में पीने के पानी का सप्लाई बढ़ाने का काम किया, ऊना में स्वान नदी की सिंचाई का काम किया,
और पंडोगा और कंड्रोर में इंडस्ट्रियल एरिया खड़ा किया है। 1700 करोड़ और 62 नई इंडस्ट्री को 90 दिनों में मंजूरी दी वीरभद्र सिंह जी। हिमाचल को बाकी हिंदुस्तान से जोड़ने की बात करें तो रोहतांग टनल जो लद्दाख और हिमाचल को जोड़ेगी वो तैयार होने जा रही। विपक्ष के लोग कहते हैं कि गरीबों का काम कांग्रेस पार्टी करती है मगर सड़कों का काम हम करते हैं। तो मैंने कुछ दिन पहले मिनिस्ट्री के लोगों से पूछा, भाई वो इस बात को मानते हैं कि गरीबों का काम हम करते हैं, कमजोर लोगों का काम हम करते हैं, ये जो सड़कों का काम है इसका आप आंकड़ा मुझे दिखाइए कि ये सच है कि एनडीए के समय ज्यादा सड़कें बनी थी। जहां भी ये जाते हैं कहते हैं, तो स्टैटिस्टिक्स निकले, आंकड़े निकले, और सच्चाई क्या है? जितनी सड़कें एनडीए सरकार ने 5 साल में बनाई उससे 3 गुना ज्यादा हमने बनाई 5 साल में। तो हम गरीबों का काम करते हैं, गरीबों का काम करते हैं मगर सड़कों का काम, बिजली का काम भी हम ज्यादा करते हैं। और मैं उनको थोड़ा बताना चाहता हूं कि जो कांग्रेस पार्टी काम करती है, गर्मी लग रही है, मजा आ रहा है आपसे बात करने में, तो गर्मी लग रही है। तो जो कांग्रेस पार्टी काम करती है, ज्यादा काम करती है, कैसे करती है? नहीं, थोड़ा मैं बताना चाहता हूं इनको भी थोड़ा पता होना चाहिए। देखिए, हिंदुस्तान में 2 तरीके से काम किया जा सकता है, हिंदुस्तान से 2 तरीके से काम किया जा सकता है। एक रास्ता गांधी जी का रास्ता, प्यार का रास्ता, भाईचारे का रास्ता। हिंदुस्तान में जो भी आपको काम करना है, जितनी भी तेजी से आपको काम करना है, इस रास्ते से आप काम कर सकते हो। यह हमें हिमाचल प्रदेश दिखाता है, यह बाकी हिंदुस्तान दिखाता है। ये जो महिलाएं बैठी हैं यहां पे, इनको बहुत अच्छी तरह ये समझ में आएगी। और दूसरा रास्ता गुस्से का रास्ता, क्रोध का रास्ता, एक को दूसरे से लड़ाने का रास्ता, इस रास्ते से इस देश में काम नहीं किया जा सकता। अगर विपक्ष को सचमुच में हिंदुस्तान में काम करना है तो इनको यह बात समझनी ही पड़ेगी। वीरभद्र सिंह जी ने कहा कि देखिए, हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पार्टी ने बनाया, आपने बनाया, और जब स्टेट बनाया जा रहा था तो विपक्ष के लोगों ने क्या नारा दिया था वीरभद्र सिंह जी? मैं भूल गया, नारा क्या था? स्टेटहुड को मारो ठुट, ये नारा था इनका। क्योंकि भैया राजनीति करनी है तो दृष्टि भी होनी चाहिए, दूर दृष्टि होनी चाहिए। तो तब उन्होंने कहा भैया स्टेटहुड को मारो ठुट। अब कहते हैं भैया हिमाचल प्रदेश तो हमने बनाया। 2 उदाहरण और आपको देना चाहता हूं। जब राजीव गांधी जी कंप्यूटर की बात कर रहे थे, जब वो सेलफोन की बात कर रहे थे, आपके जेब में सेलफोन है ना? हाँ, ये दिखा रहे हैं आप। जब इसकी बात हो रही थी, कंप्यूटर की बात हो रही थी, तो बीजेपी के सबसे बड़े जो नेता थे वो पार्लियामेंट पे खड़े हुए, सबसे बड़े 2 नेता, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, आप जानते हैं। और उन्होंने कहा देखिए कंप्यूटर से हिंदुस्तान खत्म हो जाएगा, रोजगार खत्म हो जाएगा, युवा खत्म हो जाएंगे, किसान मर जाएगा, नुकसान होगा पूरे देश को। ये राजीव गांधी क्या समझता है? कंप्यूटर से यहां कुछ नहीं होने वाला है। और राजीव गांधी जी ने कहा भाई 21वीं सदी है, कंप्यूटर की जरूरत है, मोबाइल फोन की जरूरत है, और किसानों को मोबाइल फोन और कंप्यूटर की जरूरत है। अच्छा, क्रांति हो गई, कंप्यूटर आ गया, मोबाइल फोन आ गया, फिर क्या हुआ? ऐसे ही भाषण में उन्हीं बड़े नेताओं ने कहा
उनके साइड में उनके मंत्री थे प्रमोद महाजन जी, उन्हीं नेताओं ने कहा भैया कंप्यूटर तो हमने दिया, टेलीफोन तो हमने दिया, और वही काम आज सरदार पटेल जी के साथ करने हैं। सरदार पटेल जी के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूं आपको। सरदार पटेल जी ने आरएसएस के बारे में क्या कहा था? आरएसएस एक जहरीला संगठन है, और यह संगठन और इसकी सोच हिंदुस्तान को नष्ट कर सकता है, यह उनकी सोच थी। अच्छा, अब वो नेता जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी आरएसएस को दे दी, वो सरदार पटेल जी की स्टैचू बना रहे हैं। शायद उन्होंने सरदार पटेल जी के शब्द नहीं पढ़े, शायद उन्होंने हिंदुस्तान का इतिहास नहीं पढ़ा। कहते हैं भैया हिंदू धर्म की बात करते हैं, मगर अगर ये गीता को खोल दें तो उनको दिखाई दे जाएगा कि जो भी ये कहते हैं उसके विरोध में गीता के अंदर लिखा हुआ है। गीता के अंदर लिखा है कि भाईचारे से काम करो, घमंड हटाओ, प्यार से काम करो, मगर ये इतिहास से इनको कोई लेना देना नहीं, इनको सिर्फ बोलना है, भाषण करने हैं, और जो सच्चाई है, जो हिंदुस्तान में हजारों साल से भाईचारे की बात चली आ रही है, उसको ये देखना नहीं चाहते। पिछले 10 सालों में कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? 2-3 ऐतिहासिक काम किए। सबसे बड़ा काम 15 करोड़ गरीब लोगों को गरीबी रेखा से निकाला है, और उनके पैरों के नीचे अधिकार का फर्श रखा है, रोजगार का अधिकार, भोजन का अधिकार, सूचना का अधिकार। किसानों को शक्ति दी, 70,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान के किसानों को वापस दिया, बैंक के दरवाजे खोले, एफडीआई का काम किया। क्यों किया? कि आपके जो फूड प्रोसेसिंग हो, आपके खेतों के पास हो, और आपका जो माल सड़ता है वो सड़े ना, और वो उसको आप बेच पाएं, उसको आप एक्सपोर्ट कर पाएं, उसको आप बाकी हिंदुस्तान में भेज पाएं। आदिवासियों के लिए आदिवासी बिल लाए, और विपक्ष के लोग भी मानते हैं कि यूपीए की सरकार ने गरीबों के लिए काम किया है। अब हम क्या करना चाहते हैं? गरीबी रेखा के ऊपर और मिडिल क्लास के नीचे 70 करोड़ लोग, अगले 5 साल में इन लोगों को हम मिडिल क्लास में डालना चाहते हैं। जैसे हमने 14 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से निकाला, अब हम 70 करोड़ लोगों को मिडिल क्लास में डालना चाहते हैं। आपके बच्चों को कि जो आपको मुश्किलें होती हैं वो आपको ना हो। और किस प्रकार से हम इस काम को करेंगे? 2-3 चीजें करने हैं। सबसे बड़ा काम शिक्षा का काम। बहुत सारे शिक्षा के उद्योग हमने यहां खोले, IIT आई है, लिस्ट थी मेरे पास, एक सेकंड, IIT मंडी में, इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट आया हमीरपुर में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी और निफ्ट आए कांगड़ा में, ESI मेडिकल कॉलेज मंडी में, जहां 50% सीटें हिमाचल के स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व। तो यहां काम शिक्षा का किया है, मगर जो हमारा शिक्षा का सिस्टम है उसको अब बदलना है। आजकल शिक्षा, खास तौर से जो हायर एजुकेशन है, वो कम लोगों को मिलता है और मुश्किल से मिलता है। इसको हमने बदलना है। हमारी कोशिश होगी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को
हम हायर एजुकेशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन दिलवाएंगे आपके बच्चों को। रोजगार कैसे आएगा? मैन्युफैक्चरिंग से आएगा, और मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमने दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, दिल्ली से कलकत्ता स्पेशल फ्रेट कॉरिडोर, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर तैयार किया है, जहां हजारों उद्योग आसानी से बिजनेस कर पाए। और इस कॉरिडोर से, मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर से, जो आज रोजगार मैन्युफैक्चरिंग जो चीन जाती है, जो आप घड़ियां पहनते हो जो चीन से आती है, आने वाले समय वो हिंदुस्तान में बनेगी। ये काम हमने शुरू किया है और हिंदुस्तान में सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट है ये, और ये तैयार हो रहा है। इससे करोड़ों लोगों को फायदा होगा। अब यहां महिलाएं आई हैं, और काफी महिलाएं दिख रही हैं, वहां पीछे भी दिख रही हैं और यहां आगे भी दिख रही हैं, और मैं अब आपसे बात करना चाहता हूं। देखिए, आपने मांग की थी 12 सिलेंडर की, और जैसे एक सर्विसमैन ने बात उठाई, मैंने आपकी बात प्रधानमंत्री के सामने रखी, और 2 मिनट लगे उन्होंने कहा यह बिल्कुल सही बात है, अगर हिंदुस्तान की महिलाएं 12 सिलेंडर चाहती हैं तो 12 सिलेंडर होगा, एक कम नहीं होगा। मगर सच्चाई यह है कि 12 सिलेंडर से आपकी बात नहीं बनने वाली, और हिंदुस्तान की भी बात नहीं बनने वाली, क्योंकि हिंदुस्तान की अगर आप आबादी को देखें तो 50% आप, और मैं चाहता हूं कि एक ऐसा दिन आए कि लोकसभा और विधानसभा में भी आपके 50% चेहरे दिखाई दें। मंत्रियों में, मंत्रिमंडलों में, चीफ मिनिस्टर की बैठक में, प्रधानमंत्री, ये सब महिलाएं होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा महिलाएं होनी चाहिए। और मैं आपको शक्ति देना चाहता हूं, विमेन रिजर्वेशन की बात की, और मैं आपको एक गहरी बात बताना चाहता हूं। विपक्ष के नेताओं ने इसको पार्लियामेंट में रोका, और मैंने उनसे पूछा, एक दो एमपी से पूछा, विपक्ष के एमपीओ से पूछा, भैया ये देखिए इसमें आपका क्या नुकसान होगा, अगर महिलाएं आ जाएं तो आपका भी फायदा होगा, हमारा भी फायदा होगा। उन्होंने कहा नहीं भैया, अगर महिलाओं का रिजर्वेशन होगा तो फिर हमारी सीट रिजर्व हो जाएगी, हमारा नुकसान हो जाएगा। तो इन्होंने आपको बाहर रखा है, और मैं आपको एक वायदा करता हूं, कांग्रेस पार्टी आपको लोकसभा और विधानसभा के अंदर डाल के दिखाएगी। और शिक्षा में और कांग्रेस पार्टी में, सिर्फ विधानसभा और लोकसभा में नहीं, कांग्रेस पार्टी के संगठन में हम आपको जगह देंगे, और जैसे हम महिलाओं को जगह देंगे वैसे ही हम युवाओं को भी जगह देंगे, यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई को। विपक्ष के लोग भ्रष्टाचार की बात करते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे क्रांतिकारी काम राइट टू इंफॉर्मेशन बिल है, जो पहले बंद कमरों में रहता था, जो इंफॉर्मेशन पहले ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में रहता था, मंत्रियों के हाथ में रहता था, उसको हमने आपके हाथ में कर दिया। हम रोजगार का अधिकार की बात करते हैं, हमने आपको भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने का अधिकार दिया, आरटीआई आपको देकर, लोकपाल बिल आपको देकर। आज अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखता है तो आप में से कोई भी व्यक्ति आरटीआई लिख के पूछ सकता है, भैया राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को क्या बोला। और मैंने अपनी चिट्ठियां को अखबारों में देखा है। यह शक्ति हमने आपको दी है, और यही शक्ति हम आपको और देना चाहते हैं। कैसे देना चाहते हैं? पंचायती राज के माध्यम से दें, पंचायती राज, यह हमारे प्रधान भाई होंगे, आपको हम ज्यादा शक्ति देना चाहते हैं। लोकपाल बिल हम लाए,
आरटीआई हम लाए, विरोध किसने किया? विपक्ष के लोगों ने विरोध किया, हर कदम पे हमारा विरोध किया। हमने 6 बिल रखे पार्लियामेंट हाउस में भ्रष्टाचार के खिलाफ, जबरदस्त बिल। रोका किसने? बीजेपी के नेताओं ने हर कदम पे। यहां किसान है, जमीनी अधिकरण बिल हम लाए। जैसे पहले भैया आपकी सरकार किसानों की जमीन उठा के दे देती थी, यहां भी एक दो उदाहरण है, उसको हमने बंद कराया, हमने आपको अधिकार दिया। और आज किसान की जमीन ली जाए तो आपको सही मुआवजा मिलेगा, आपको सही पैसा मिलेगा। जो अमीर आदमी को दिल्ली में मिलता है वो आपको गांव में मिलेगा, और मिलना चाहिए। तो हर कदम पे पार्लियामेंट में इन्होंने रोक डालने की कोशिश की। और किसी ने पूछा, इनके सीनियर मंत्री ने पूछा, से पूछा कि भाई ये आप पार्लियामेंट में रोक क्यों डालते हो? ये इंग्लैंड में भाषण दिया उन्होंने कि हमारी स्ट्रेटेजी है कि हम पार्लियामेंट को नहीं चलने देंगे। क्यों? क्योंकि ये जानते हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी के प्रोग्राम्स को इन्होंने पास करने दिया, जैसे नरेगा, जैसे भोजन का अधिकार, जैसे आरटीआई, तो ये एक चुनाव नहीं जीतेंगे, हर चुनाव में हम इनको हरा देंगे। 2004 में ये निकले, इंडिया शाइनिंग की बात की, बहुत ढोलक चलाया, जब बटन दबे, हाथ के निशान पे बटन दबे, फिर ये आए 2004 में, इन्होंने कहा भैया ये क्या हुआ? हमने सोचा था इंडिया शाइनिंग है, ये तो भैया हमारा इंडिया तो मतलब अंधेरे में चला गया और गरीबों का हिंदुस्तान चमकने लगा। फिर ये 2009 में आए, वही बात शुरू की, और हम चुनाव जीते। क्यों जीते? हमने कर्जा माफी की, रोजगार योजना दी, और आपकी बात सुनी, इसलिए चुनाव जीते, और इसलिए पार्लियामेंट को रोकते हैं। कांग्रेस पार्टी हर एक की पार्टी है, गरीबों की पार्टी है, कमजोर लोगों की पार्टी है, महिलाओं की, युवाओं की पार्टी है, और हम सबको एक साथ ले जाना चाहते हैं। हम किसी को पीछे नहीं छोड़ना चाहते। हमारे लिए हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हर प्रदेश के लोग, हिमाचल के लोग, अरुणाचल के लोग, हर जात के लोग एक हैं। हमारे लिए आप सब हिंदुस्तानी, और हम काम करते हैं तो हिंदुस्तान के लिए काम करते हैं, आप सब के लिए काम करते हैं। कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में चुनाव लड़ रही है, और आपके समर्थन से, आपके प्यार से हम चुनाव जीतने वाले हैं। आप जाइए हिमाचल की जनता को बताइए कि कांग्रेस पार्टी ने क्या किया है, क्या क्या काम किया है, और किस प्रकार से हम राजनीति करते हैं। आप दूर दूर से आए, प्यार दिखाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।